वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं वेष्टीर्थ शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिचय। इसी का पार्ट टू वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन को कवर किया है। जो भी पार्ट वन को अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं कवर किए हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको कवर कर लें, तभी आप पार्ट टू को कवर करेंगे। तब पूरा आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर वन के अंतर्गत यानी चैप्टर वन के अंतर्गत जो आपका थ्योरी है काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा चीज आपको समझ में आएगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको हम लोगों ने देखा था। ये डिफरेंस जो पूछा जाता है 5 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, याद रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है, एडम स्मिथ के बारे में हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के मुख्यतः। ठीक है, जनरली मुख्यतः यानी एक तरह से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास में भी हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ा था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो इसी प्रकार हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आर्थिक समस्या क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो पार्ट टू का जो आपका टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। यानी केंद्रीय समस्या मुख्य रूप से 3 है। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है यानी जो मेन प्रॉब्लम है वो 3 है। केंद्रीय समस्या कहने का मतलब यह हुआ कि मेन प्रॉब्लम है ना, तो मेन जो प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था में तो वो 3 है। पहला जो प्रॉब्लम है, 3 वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये 3 प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में जो एग्जाम होगा आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में उल्लेख करें, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देता है तो 3 वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। यह सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की। ठीक है, हर समाज या फिर हर देश को यह निर्णय लेना पड़ता है, यानी हर समय इसका कहने का सेंस ये हुआ कि हर समाज या फिर हर देश की अर्थव्यवस्था को ये एक तरह से डिसाइड लेना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और सेवाओं में से किन वस्तुओं का उत्पादन या फिर किन सामानों का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, ताकि उपभोक्ता यानी जो पब्लिक है उनको संतुष्टि प्रदान हो सके, उनको संतुष्टि मिल सके, या फिर कोई पब्लिक अपने सेवा या फिर सामान से मतलब वो अछूता न रह जाए, या फिर कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, वो उपभोक्ता और सप्लाई करने वाले जो कंपनी है, जो जितने सामान सप्लाई कर रहा है वो दोनों के बीच एक तरह से बैलेंस बना रहे, तो ये क्या है, मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, तो या फिर सैन्य सेवाओं के गठन पर उपयोग किया जाए। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, मेन प्रॉब्लम है। उपभोग की उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाए, या निवेश परक वस्तुएं, जैसे कि निवेश परक वस्तु के अंतर्गत आपका आ जाएगा मशीन। ठीक है, यह क्या है, एक तरह से मेन प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, जैसे कि कोई उत्पादन करना चाहेगा मजदूरी लेकर के, कोई उत्पादन करना चाहेगा मशीन लेकर के। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, अर्थव्यवस्था का सेंट्रल मतलब केंद्रीय समस्या है। ठीक है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि तरह तरह के जो वस्तुएं हैं यानी तरह तरह के जो सेवाएं हैं उसको तो जनरेट किया जाता है, उत्पाद किया जाता है, उसका जो उत्पादन किया जाता है उस समय कौन सा सेवा यानी कौन सा साधन का उपयोग किया जाए, यानी कौन सा संसाधन का उपयोग किया जाए वो सेवा और वो वस्तु को बनाने के लिए। ठीक है, और कितनी मात्रा में किया जाए, तो ये भी क्या है, वस्तु एक तरह से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि अधिक श्रम यानी मजदूर का उपयोग किया जाने पर जाए या फिर मशीन का। ठीक है, ये भी एक कंफ्यूजन है ना, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीकों को प्रयोग में लाया जाए। हजारों तकनीक है एक वस्तु को बनाने के लिए, तरह तरह के टेक्निक है, तो उसको बनाने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाए, ये भी एक क्या है, केंद्रीय समस्या। अब चलिए तीसरा जो समस्या है वो क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, देश में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए या फिर अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देखना पड़ता है अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को कितनी मात्रा किससे प्राप्त होगी, ठीक है, ये भी जज करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के मध्य किस प्रकार आवंटित किया जाए, बांटा जाना चाहिए, या फिर एक तरह से पब्लिक के बीच वो संसाधन किस प्रकार एक तरह से समान रूप से बटे, ये भी क्या है, एक तरह से अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया गया है, क्या प्रारंभिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए या नहीं, आदि क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है टोटल 3 है, 3 ही है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है,
कैसे उत्पादन किया जाए, यहाँ देखिए कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा पहला जो है वो क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो तीनों प्रकार को आपको याद रखना है, मुख्य रूप से तीन होते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। सजीडी में पूछेगा तो आराम से आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला आपका पॉइंट है कि संसाधनों का विनिधान या फिर आवंटन, यानी रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। यानी संसाधनों के विनिधान से मतलब यही है कि कोई भी संसाधन हो उसकी कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए प्रत्येक वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए, यही क्या है संसाधनों का विनिधान यानी आवंटन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीमित संसाधनों का विनिधान और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या अर्थात केंद्रीय समस्या है, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है कि उत्पादन संभावना सेट, यानी उत्पादन संभावना सेट उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो मतलब एक तरह से संभावित संयोग यानी समुच्चय जो होता है उसी को क्या बोलता है, अर्थव्यवस्था को उत्पादन संभावना सेट बोले जाते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी संसाधन है, वो टेक्नोलॉजी और वो संसाधन के माध्यम से, यानी वो टेक्नोलॉजी और वो संसाधन का उपयोग करने से जितने भी दो सेट बनेंगे वस्तुओं के, जो दो सेट का निर्माण होगा जितने संख्या में होगा वही क्या है उत्पादन संभावना सेट है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC कहते हैं इसको, ये दो वस्तुओं या दो वस्तुओं के उन संयोग यानी सहसंबंध को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीकी द्वारा उत्पादित किया जा सके, ठीक है। एक उत्पादन संभावना वक्र चुनाव की सूची को दर्शाता है, जैसे कि अब यहां एग्जांपल के रूप में ये लिया गया है, यानी पीपीसी एक ऐसा मतलब रेखा है जो दो वस्तुओं दिया गया है आपको, ठीक है, और वो दो वस्तु से आपको एक वस्तु का उत्पादन दोनों में से मतलब एक तरह से दोनों का मात्रा को इंडिकेट करना है कि किस वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में हो रही है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ग्राफ दिया गया है वस्तु एक्स और वस्तु वाई, ठीक है, यानी उत्पादन संभावना वक्र, वस्तु एक्स अगर वस्तु वाई अगर आप 15 बनाते हैं तो वस्तु एक्स आपका 5 बनता है, ठीक है, अगर वस्तु वाई अगर 13 बनाते हैं तो वस्तु अगर एक तरह से दूसरा जो टॉपिक है वस्तु वाई अगर 9 बनाते हैं, 9 यूनिट बनाते हैं तो वस्तु एक्स आपका 3 यूनिट बनता है, ठीक है। मतलब यहां क्या है कि ये अगर एक्स को घटा रहे हैं तो वहां आपका वाई बढ़ रहा है, या फिर एक्स को बढ़ा रहे हैं या फिर तो वाई भी एक तरह से एक्स को घटा रहे हैं तो वाई बढ़ रहा है, वाई को घटा रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। यही है उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, कहा गया है उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम, तीन नाम है इसका, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वर्ग और रूपांतरण सीमा, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए उत्पादन संभावना वक्र की तालिका, जैसे कि संभावना कितना है, संभावना अगर ए है तो उसमें एक्स वस्तु की अगर एक तरह से मात्रा 15 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी की मात्रा 14 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी की मात्रा अगर 12 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। डी की मात्रा अगर 9 रखेंगे तो एक्स डी की सॉरी डी में अगर संभावना डी में अगर एक्स की मात्रा 9 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो है उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी दिखाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक तरह से कर्व दिखा रहा है, ठीक है। पीपीसी की मान्यता के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। मान्यता इसकी क्या होगी, संसाधनों का पूर्ण तथा पूर्ण और कुशलतम प्रयोग किया जाता है, ये पीपीसी की मान्यता, ठीक है। दूसरा है दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है, सही बात है, ठीक है। दो ही वस्तु के बारे में रिलेशन दर्शाता है, ग्राफ आपका वस्तु एक्स और वस्तु वाई। तकनीक के स्तर को स्थिर यानी एक तरह से उनको कॉन्स्टेंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पीपीसी की विशेषता, ठीक है। उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का जैसे कि वहां वाई घटा रहे थे तो एक्स बढ़ रहा था, एक्स घटा रहे थे तो वाई बढ़ रहा था, वही बात है कि दोनों वस्तुओं की मात्रा को एक साथ कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, यानी एक साथ दोनों को कभी नहीं घटाया जा सकता, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इस स्थिति में एक वस्तु का अधिक उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को घटाकर ही किया जा सकता है, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है। जैसे कि यहां क्या किया गया, वस्तु एक्स को बढ़ा रहे थे तो वस्तु वाई की मात्रा घट रही थी, ठीक है, समझ गए। ये एक तरह से सिंपल सी बात है, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या करा कि वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई अधिक से अधिक इकाइयों को त्याग करना पड़ता है, यानी ये देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं, पीपी ग्राफ को देखें, पीपीसी के ग्राफ को देखें, ठीक है, वहां आपको दिखा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए अवसर लागत के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी क्या है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत इसको बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की जो अवसर लागत है दूसरी वस्तु की तैयार की गई मात्रा होती है, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की तैयार की गई मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सीमांत उत्पादन संभावना, यह दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, ठीक है। यानी दो वस्तु के संयोजन को दर्शाता है, यानी एक तरह से पेयर को दर्शा रहा है, ठीक है, जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जा सकता है, ठीक है। यहां देखिए कपास और अनाज, ठीक है, यहां कपास और अनाज के रूप में एक तरह से ये दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है, जो क्या है, एक प्रकार का, एक प्रकार का सीमांत उत्पादन संभावना है, सीमांत उत्पादन संभावना है। अगर वक्र के माध्यम से अगर हम दर्शाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा, ठीक है। यानी दो वस्तु के बीच का रिलेशन है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो इसके अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का प्रोजेक्ट तैयार करती है, सेवाओं, ठीक है, सेवाओं और वस्तु विनिमय उत्पादन और उपभोग से संबंधित सभी जो इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं, डिसाइड होते हैं, वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है बाजार अर्थव्यवस्था, तो इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है, इसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। मार्केट किसको बोलते हैं, मार्केट यानी बाजार जो होता है व्यवस्थाओं का एक ऐसा समूह है, यानी ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता उपभोक्ता, आर्थिक अभिकर्ता किसको बोलते हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, हम लोग क्या उपभोक्ता है, उत्पादक, क्रेता, विक्रेता मुक्त रूप से यानी फ्री मोड में फ्री होकर के अपने धन अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था में, बाजार व्यवस्था में हर वस्तु और सेवा का तय कीमत होती है, ठीक है। यह क्या है आपका, बाजार का एक तरह से डेफिनेशन दिया गया अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार की जा रही है, यानी विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया गया है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, इसका अध्ययन ही सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है, ठीक है। सही बात है, किसी भी वस्तु की अगर कीमत घट रही है तो उसका डिमांड क्या होता है, मार्केट में बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, इसमें अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न विधियां, जैसे कि आपका उत्पादन विधि हो चाहे कोई भी विधि हो, हमारे लिए अनुकूल है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है या नहीं है, उसी चीज का इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि सिगरेट तथा शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर टैक्स की दरें बढ़ा देनी चाहिए, टैक्स का जो रेट है बढ़ा देनी चाहिए, अगर सिगरेट और शराब पर अगर टैक्स का रेट अगर बढ़ा देंगे तो लोग उसको कम खरीदेंगे, ठीक है, बढ़ा देनी चाहिए, तो यह आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। यही क्या है, एक आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का क्या स्तर है, ठीक है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। कुल निर्गत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार बढ़ोतरी होती रहती है, यह भी क्या है, एक तरह से अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने के क्या क्या कारण है, यह भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो जितना आपका टॉपिक था वह टॉपिक सर आपको बता दिया गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक देखिए क्या है कि एक तरह से क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यह भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चयन की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उपभोक्ता के पास संसाधनों की अर्थात धन की कमी होती है, ठीक है, आपके पास क्या धन की कमी है, मेरे पास धन की कमी है, जिस कारण उन्हें विवश होकर यानी लाचार होकर के उन वस्तुओं का चयन यानी उन वस्तुओं को सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है जो उसको अधिक संतुष्टि प्रदान करे, यानी जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो उसको, ठीक है, तो उसको उसी को वो खरीदता है, अर्थात यह एक चयन की समस्या। हमारे चयन से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है, सही बात है। हमारे पास संसाधन लिमिट में है, पैसा लिमिट में है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कौन सा सामान को खरीदे कौन सा सामान को नहीं खरीदे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है चयन की समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, दुर्लभ संसाधन, यानी संसाधनों का दुर्लभ होना, संसाधन दुर्लभ करने का मतलब ये हुआ जो जल्दी ना मिले, ठीक है, संसाधन दुर्लभ है जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, संसाधनों की सीमितता, संसाधन लिमिट में है, विभिन्न वरीयता, ठीक है, यानी एक तरह से डिफरेंस प्रायोरिटी दे रहे हैं सभी लोग संसाधन को, तो ये भी क्या है चयन की एक समस्या, ठीक है। तो ये आपका पार्ट टू था, पार्ट टू के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी थे, जितने जो भी टॉपिक आपका बचा था चैप्टर वन का परिचय का, वो हम कवर कर लिए, हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो चैप्टर वन का आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, ठीक है, पार्ट टू के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक थे वो सभी आपका कवर कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप
इसी तरह से पार्ट वन को कवर कीजिए, पार्ट टू को भी कवर कीजिए। आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह से आप लोग बढ़ते रहिए, ठीक है। और नंबर को सेव कर लीजिए, प्ले स्टोर से जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ आपको सेव तनु क्लासेस ऐप को मतलब सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि PDF वगैरह हम लोग वहीं देंगे, वहीं दे रहे हैं सारा चीज़, ठीक है। और टेलीग्राम से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।